नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे 1 अगस्त के आपके जीवन से जुड़े कई ऐसे नियम हैं जो कि बदल जाएंगे और इसका असर जो है आपकी जेब पर पड़ने वाला है। कहते हैं ना, बदलाव संसार का सबसे बड़ा नियम है और इस बदलाव का असर हमारे और आपके जीवन पर हर समय पड़ता है, जिसका असर सीधे तौर पर हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। ऐसे में अगस्त महीने की शुरुआत होने वाली है, तो आज हम जानेंगे कि अगस्त के महीने में हमारे जीवन से जुड़ी किन किन चीज़ों में बदलाव होने वाला है। अगस्त के महीने में बैंकिंग से जुड़े क्षेत्र में बदलाव होने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि रसोई गैस के दामों में भी हेर फेर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अगस्त के महीने में हमारे जीवन से जुड़ी किन किन चीज़ों में बदलाव होने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में होने वाले बदलाव के बारे में। RBI ने बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए साल 2020 में ही पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत की थी। इस सिस्टम के तहत चेक के माध्यम से 50,000 की राशि भुगतान करने पर अहम जानकारी आपको साझा करनी होती है। हालांकि सभी बैंकों ने अलग अलग राशि की भुगतान की बात कही है। आपको उस चेक से जुड़ी जानकारी बैंक को SMS के माध्यम से देनी होगी या फिर आप नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से इसकी जानकारी आप दे सकेंगे। इस पूरे प्रोसेस के बाद ही आपको चेक क्लियर होगा। बैंक के कर्मचारी इस तरह की स्थिति में सीधा उस व्यक्ति को फ़ोन कर पूछ लेते हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा कि आपने कितने पैसे का चेक काटा है, हम किस व्यक्ति को पैसे देने हैं। इस तरह की सारी जानकारियां जो है इस पूरे प्रोसेस के तहत पूरी की जाती है। आपको बता दें कि 1 अगस्त से बैंक ऑफ बड़ौदा ने चेक के भुगतान के नियम बदल दिए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने चेक पेमेंट के नियमों के बदलाव किया है। साथ ही साथ बैंक ने अपने ग्राहकों को इसकी सूचना देते हुए बताया है कि 1 अगस्त से 5,00,000 रुपये या फिर उससे अधिक के अमाउंट वाले चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया गया है। ऐसे में अब जो कोई भी व्यक्ति अगर चेक से पेमेंट करता है तो उसे बैंक को SMS, नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी देनी होगी। उसके बाद ही आपका चेक क्लियर होगा। अगर आप चेक जारी करते हैं तो आपको नंबर, पेमेंट की राशि, पेमेंट पाने वाले का नाम सहित कई तरह की जानकारियाँ आपको उस समय जो है बैंक को देनी होगी। ये बैंक ऑफ बड़ौदा से पहले भी कई ऐसे बैंक हैं जिन्होंने इस तरह के सिस्टम को अपने बैंकिंग सेक्टर में अपना लिया है। अगस्त के महीने में 11 दिनों तक बैंक बंद रहने वाला है। बता दें कि इस महीने में कई त्यौहार हैं जिसके चलते बैंक बंद रहने वाला है। इसी महीने में मुहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस के साथ जन्माष्टमी और गणेश चतुर्दशी जैसे त्यौहार आते हैं जिस दिन बैंक इस महीने में बंद रहने वाला है। इसके साथ साथ आपको पहले से पता है कि महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहता है और रविवार को साप्ताहिक अवकाश। इन सब को मिलाकर अगर हम अगस्त महीने में देखें तो करीब 11 दिनों तक बैंक बंद रहने वाला है। महीना चाहे कोई भी हो, इस महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम के दामों की समीक्षा की जाती है, जिसमें कि गैस सिलेंडर के दाम को लेकर भी चर्चा होती है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि 1 अगस्त को सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां गैस सिलेंडर के दाम रेट तय कर सकती है। तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अगस्त के महीने में रसोई गैस के सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर आम लोगों के बीच में एक गुस्सा है, क्योंकि लगातार सरकारें कहती रही कि हम रसोई गैस के दामों में कमी करेंगे, लेकिन अब जो स्थिति है वो 1,000 के पार रसोई गैस के दामों की कीमत हो गई है। तो 1 अगस्त से हमारे जीवन पर कई ऐसे बदलाव हैं जो कि होने वाले हैं, जिसका असर जो है हमारी जेब पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।